आपको हैरत ना, आपको इन बातों पे हैरत ना हो, क्योंकि जिस दिन फौजी को इनकी शायरी समझ आ गई इनकी मुसीबत आ जाएगी। मुझे हैरत ये है, अक्सर मैं सोचता रहता हूँ कि क्या राज क्या है, यानी हमारे मुल्क में एजेंसीज हैं बेशुमार है और हर जगह फैली हुई है, लेकिन मशायरों वगैरह से शायद उन्हें दिलचस्पी नहीं है, वरना शायद इनायत साहब जो है इनके लिए प्रेस क्लब के सामने कुछ लोग खड़े होते हैं कि इनायत अली को रिहा करो। तो जिस दिलेरी और शिदात के साथ ये सच्चाई को बयान करते हैं वो इनके नाम का दूसरा हिस्सा है, अब इनके नाम का तीसरा हिस्सा रह गया और वो है खान। तो उसके बारे में तो काफी बातें मोइन साहब ने कह दी है कि खान जो है वो कुदाल या कलम बगैर पैसे के नहीं चलाता, लेकिन मैं तो दूसरे पहलू पर बात करूंगा। अगर इनकी तरफ हम नजर करें तो ये अपने रंग से खान नजर आते हैं और किसी को शुबा नहीं होता, इसलिए कि इस मुल्क में जालसाजी बहुत है और मसनूई चीजें भी बहुत बनी हुई है, चीजों में नकाली भी बहुत है। तो लेकिन अगर आप इनकी तरफ देखें, वैसे तो माशाल्लाह ये फरिश्ता भी नजर आते हैं, यानी हम कहते हैं ना फलाना फरिश्ता सूरत, और अगर सीरत भी अच्छी है तो कहते हैं फरिश्ता सीरत, ये दोनों दिन पर नजर आते हैं, यानी आलिम भी नजर आते हैं। तो ये खान है और खान होने की वजह से मैं समझता हूँ कि इनको मजीद हिम्मत और जुरत हासिल हुई है, जिसकी वजह से इतने अच्छे तरीके से ये बातें करते हैं, और मुझे खुशी हुई है कि मुझे भी इन्होंने खान का खिताब दे दिया है, मेरा नाम अब्दुल वहाब खान लिखा हुआ है। अच्छा, खान किसी नस्ल का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। इनकी शायरी हमें हौसला देती है, हिम्मत देती है। हमारे मुल्क में जो खराब हालात है तो मायूसी इस मुल्क में बहुत, और लोग ये समझते हैं कि यहाँ हालात ठीक ना हो सके, इसीलिए बेशुमार इस मुल्क के लोग जब भी मुमकिन हो अपना मुस्तकबिल बाहर देखते हैं। कल जंग अखबार में खबर पढ़कर मुझे शदीद दुख हुआ, उसमें ये लिखा था, यानी पार्लियामेंट में या सेनेट में सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में वो इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 88,000 पाकिस्तानियों को अब तक मुख्तलिफ ममालिक से निकाला जा चुका है, यानी वो अपना मुस्तकबिल तलाश पाकिस्तान में नहीं बाहर कर रहे। और उससे ज्यादा दुख की बात यह थी कि 6,000 पाकिस्तानी यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों में हैं, गए तो थे वो मुस्तकबिल बनाने, लेकिन बेचारों को वहां पर जेल की हवा खानी पड़ी और वो जेल में सड़ आए। तो इस मुल्क में नौजवान हो, पढ़े लिखे हो या बेचारे अनपढ़ मजदूर टाइप लोग हो, तो वो आप अपना मुस्तकबिल जो है इस मुल्क में नहीं देखते, मायूसी। लेकिन इनकी शायरी जो है वो हमें हौसला देती है और हिम्मत देती है, और इनका जो सबसे अच्छा शेर मुझे पसंद आया इसी नुक्ते नजर से, वो यही है कि हौसले पस्त थे फासला देखकर। जब हम सोचते हैं कि कितने मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर, इत्तेहाद यहाँ पर नहीं, बेशुमार पार्टियां हैं, जुल्म है, रिश्वत है, नाइंसाफी है, कहीं से इंसाफ नहीं मिल सकता, तो हमारे हौसले देखते हैं इतने मसाइल, हिमालय जैसे मसाइल हैं, ये नहीं हो सकते भाई, ठीक यह मुल्क ठीक नहीं हो सकता, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ के इदारे इसी तरह चलते रहेंगे,
تو حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر, مسائل کو دیکھ کر. لیکن کیا ہوا کہ جب حوصلے اور فاصلے میں جنگ ہوئی اور مقابلہ ہوا تو فاصلے گھٹ گئے حوصلہ دیکھو. تو میں نے اس احساس کے تحت کہ ہمارے ملک میں جو بہت بڑے مسائل ہیں جن کو پہچانا ہی نہیں گیا وہ ایک مایوسی ہے. تو میں نے اپنی یونیورسٹی میں ایک سینٹر قائم کیا ہے, اس کا نام ہم نے رکھا ہے سینٹر آف ہوپ اینڈ کریج. اس میں ہم نے جتنی بھی دنیا کے ممالک میں لوگ بڑے بڑے تھے جنہوں نے تبدیلی لائی, ان کی سوانح حیات ہم نے جمع کی اور ان ملکوں کی تاریخیں جمع کی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یورپ میں, امریکہ میں, جاپان میں جو بھی آج بڑے اونچے نظر آتے ہیں وہاں حالات بہت ہی خراب, لیکن یہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان خراب حالات کو ہم بالکل بدل دیں گے, اور آج وہ ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہیں اور پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. تو ان کے اس شعر سے کہ حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر, فاصلے گھٹ گئے حوصلہ دیکھ کر, ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی اس ملک کے اندر بہتری لا سکتے ہیں اور اس ملک کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. محترم صاحب صدر, جناب پروفیسر عنایت میرزا صاحب, دانشوران کرام اور حاضرین محفل, ادارہ تعمیر ادب کی خوش قسمتی ہے اور ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ پروفیسر عنایت علی خان صاحب کی اس کتاب, اس خوبصورت کتاب کی رسم رونمائی کا اعزاز ہم کو بخشا ہے. ادارہ تعمیر ادب اس ملک میں اب بہت جانا پہچانا نام ہے. 35 سال قبل مرحوم مولانا ماہر القادری نے اس کی بنیاد رکھی تھی. مولانا ماہر القادری کا ادب اردو سے جو لگاؤ تھا اور جو کنٹریبیوشن تھا اس سے آپ تمام حضرات واقف ہیں, اور اسی وقت سے یہ ادارہ اس راہ پہ گامزن ہے. باوجود نامساعد حالات کے آج کل زبان و ادب اور سنجیدہ موضوعات, ان کو ساتھ لے کر چلنا اور ان کی ترویج اور ترقی کے لیے کام کرنا محدود وسائل کے باوجود کتنا مشکل ہے, اس سے آپ حضرات واقف ہیں. لیکن اس کے باوجود ادارہ تعمیر ادب نے نہ صرف یہ کہ بہت سی کتابوں کی رونمائی کی, تقریب کی, منعقد کی, بلکہ بہت سی کتابیں شائع بھی کی, ہندو پاک مشاعرے بھی کیے اور مختلف ادبی محفلیں بھی برپا کی. آپ میں سے بیشتر حضرات ہمارے ان تقاریب میں شرکت فرماتے رہے ہیں, اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً جنرل معین الدین حیدر صاحب بھی شاید تیسری مرتبہ ہمارے تعمیر ادب کے اس تقریب میں تشریف لائے ہیں. یہ بھی ہمیشہ مہربانی فرماتے رہے ہیں. حضرات محترم, اس وقت بیجا نہیں ہوگا اگر میں شاہد اعوان صاحب کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اتنی خوبصورت کتاب بقول ڈاکٹر معین قریشی صاحب کے, جس کی تزئین محفل بیوٹی پارلر میں ہوئی ہے, اتنی خوبصورت کتاب ہم کو عطا کی. نہ صرف یہ کہ میں ان کا مشکور ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جبکہ ادبی کتابیں کم سے کم حیثیت ہوتی جا رہی ہیں,
और कम से कम तर कागज के ऊपर सभा की जा रही है, इतनी मेहनत काविश के साथ इस किताब को शाये करना और उसकी तदीन करना, ये यकीनन इन्हीं का हिस्सा था। उसके अलावा प्रोफेसर साहब के तमाम शागिर्दान ने जिस तरह से इस तकरीर के निकाह में तआवुन किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीनी तौर पर मैं बेहद मशकूर हूँ पाकिस्तान बिजनेस फोरम का, जिन्होंने इस तकरीब के इनकाद में तआवुन फरमाया। मुझे मालूम है कि ये आइटम आप पर थोड़ा ग्रां गुजर रहा है, इसलिए कि इसके बाद जो आइटम है उसका आपको इंतज़ार होगा, लिहाजा मैं बहुत तवील अपनी गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं तो फिर आप तमाम हजरात का फर्दन फर्दन डॉक्टर मुईन प्रोफेसर हसनी साहब, डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब सदर मजलिस, मेहमान खुसूसी मोहतरम मुईनुद्दीन हैदर साहब, खलीफा अकबर अहमद साहब, शाहिद आवान साहब और इस महफिल के नाज़िम प्रोफेसर सैयद अकील और उस्ताद मोहतरम जो सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत इस महफिल की हैं, और इनके एजाज में प्रोफेसर इनायत अली खान साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ी और उनको अपनी जगह दी, उनका भी मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना अच्छा नगीना इस कौम को दिया, आज से 60 साल पहले उनको नगीने को पहुँच गई, और उसके बाद आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रोफेसर इनायत अली खान साहब के एक शेर पर अपनी खत्म करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया। मैं एक तन्हा पेड़ की सूरत हाँप रहा हूँ सहरा, मैं एक तन्हा पेड़ की सूरत हाँप रहा हूँ सहरा में, वक्त की आंधी पूछ रही है अब भी हिम्मत बाकी है, वक्त की आंधी पूछ रही है अब भी हिम्मत बाकी है।